खबर ग्वालियर से है, जहां 3 महीने पहले सड़क हादसे में घायल होकर काम पर अनुपस्थित हुए सफाई कर्मचारी को अब निगम अफसर वापस काम पर नहीं ले रहे थे, जबकि उसने मेडिकल व घटना के फोटो तक अफसरों को भेजे थे। लगातार अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर सफाई कर्मचारी थक चुका था। आखिर में उसने फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी मौत के बाद उसके 4 मासूम बच्चे बेसहारा हो गए हैं। घटना कंपू स्थित बाल सदन स्कूल के पास की है। मृतक के भाई ने निगम के एक SI पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच शुरू कर दी। परिजन ने चक्का जाम भी किया है, अफसरों के आश्वासन के बाद माने हैं। शहर के कंपू स्थित बाल सदन स्कूल के पास 35 वर्षीय पवन पुत्र राम भरोसे वाल्मीकि नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। मार्च 2022 में वह बाइक से घर लौट रहा था, तभी सड़क हादसे का शिकार हो गया था, जिस कारण वह ड्यूटी पर नहीं जा पाया था। उसने अपने वरिष्ठ अफसरों को घटना से संबंधित फोटो वीडियो भी भेजे थे। सफाई दरोगा अर्जुन कडेरे ने उसे कुछ दिन गैर हाजिर होने पर घर बैठा दिया था। ठीक होने के बाद पवन मेडिकल रिपोर्ट लेकर वापस नौकरी पर आने के लिए गया तो उसे घर बैठा दिया गया। इसके बाद से लगातार वह सफाई दरोगा के पास चक्कर लगा रहा था, लेकिन वह उसे काम पर नहीं रख रहा था। शनिवार देर रात पवन घर लौटा और कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब परिजन ने उसे फांसी पर लटके देखा तो तत्काल उसे उतारने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने रविवार दोपहर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को दे दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। मृतक के भाई आकाश ने बताया कि पवन के 2 बेटियां 2 बेटे हैं। बेटियों की उम्र 11 और 13 साल है। बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उस पर ही थी। परिजन के जो भी आरोप है उसके आधार पर जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। ये पहले नगर निगम में नौकरी किया करता था और उसकी सूचना प्राप्त हुई थी, उसने फांसी लगाकर सुसाइड किया है। मौके पर अधिकारी गए और सब पंचायतनामा लेख करके उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर और PM कराया गया है। जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।